आज का हमारा जो लेक्चर है वो है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। बच्चे इसके दो केसेस हैं, जिसमें एक है जिसमें ऑब्जेक्ट्स दोनों वर्टिकल इस तरह सस्पेंडेड होते हैं, एक केस ऐसा है जिसमें एक वर्टिकल होता है और दूसरा हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है। तो इन दोनों की हमने डेरिवेशंस को देखना है। तो बच्चे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेंशन क्या है, तब भी हम इसको कर पाएंगे कि हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होती है। एक्सेलरेशन तो हमें पता है, वेलोसिटी में चेंज को कहते हैं। तो बच्चे हमारे पास टेंशन क्या है कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक स्टैंड है जिसके ऊपर हमने ये मास m को किसी भी चीज को सस्पेंड किया हुआ है। तो देखिए हमने वेट का एक ही डेफिनेशन पढ़ी, तो उसमें क्या था वेट हमारे पास, वो था अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल थी जो कि उसको डाउनवर्ड जब वो पुल कर रही होती है, डाउनवर्ड फोर्स होती है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास टेंशन वेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। ठीक है बच्चे, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो जैसे ही ये मास नीचे सस्पेंड हुआ है तो इसका जो रिएक्शन के तौर पे जो इस पे फोर्स एक्ट करेगी इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वो हमारे पास टेंशन होती है। जो स्ट्रिंग के अंदर जो कि रस्सी के अंदर हमारे पास फोर्स होती है जो उसको ऊपर सस्पेंड किए रखती है, उस फोर्स को कहते हैं टेंशन। टेंशन का यूनिट भी न्यूटन होता है। तो इसके बच्चे दो केसेस हैं हमारे पास। जो फर्स्ट केस है उसमें क्या है कि वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज। फर्स्ट केस में दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, दोनों क्या हैं, ये वर्टिकली सस्पेंडेड है, जिसमें ऑब्जेक्ट ए जो है वो हमारे पास लार्जर साइज का है, जब यानी इसका मास ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है, जबकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है उसका मास स्मॉलर है, उसका वेट कम है। अब बच्चे इन दोनों में देखें, इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड है, इसका भी वर्टिकल डाउनवर्ड है, इसमें भी टेंशन जो है ऊपर साइड पे लग रही है, यानी कि उसको ऊपर खींच रही है, इधर भी जो है अप साइड जो है उसकी ऊपर की तरफ डायरेक्शन है टेंशन की। अब बच्चे इन दोनों केसेस में देखिए, जो हमारे पास केस यानी ए ऑब्जेक्ट है इसमें देखिए वेट ज्यादा है और टेंशन कम है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड है, इसका वेट ज्यादा है इसलिए डाउनवर्ड है। लेकिन बी केस में देखिए तो इसकी टेंशन ज्यादा है, वेट कम है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ है। ठीक है बच्चे, आप इसकी डेरिवेशन पे आते हैं, डेरिवेशन पे आते हैं तो हमें देखिए फोर्स ऑन ए, यानी कि जो फोर्स ऑब्जेक्ट ए पे लग रही है, फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, अब इसमें देखे वेट ज्यादा है तो ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं, वेट ज्यादा है तो डब्ल्यू पहले आ जाएगा माइनस, टी कम है तो टी को माइनस कर दिया, अब ये आ गया एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। हमारे पास डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे डब्ल्यू को एम जी लिख लिया। चूंकि ये फर्स्ट मास की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम जब इसको ब्रेकअप करेंगे यानी कि फॉर्मूले में, एफ हमारे पास एम ए के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो चूंकि ये मास वन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम एम वन ए इज इक्वल टू ये एम वन जी आ जाएगा माइनस टी आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर वन बन गई। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब देखे जो फोर्स ऑन बी है, एफ इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी में देखे तो यहाँ पे टेंशन ज्यादा है, वेट कम है, इसलिए T ज्यादा है तो T में से W को माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें T ज्यादा है जब हम B के ऊपर फोर्स की बात करेंगे, जबकि W कम है तो T में से माइनस करेंगे W को, तो फोर्स ऑन B क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू T माइनस W। अब देखें इसको मैंने दोबारा फिर एज इट इज यहाँ पे लिख लिया, F इज इक्वल टू T माइनस W, चूंकि ये सेकेंड मास की बात कर रहे हैं तो ये F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एम टू ए हो जाएगा इज इक्वल टू टी माइनस एम टू जी आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है तो ये एम टू मास की बात हो रही है तो एम टू जी हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमने सबसे पहले जो है इसमें से दो चीजें फाइंड आउट करनी है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास टेंशन एंड एक्सेलरेशन ये दोनों फाइंड आउट करनी है, तो इनमें से आप कोई भी पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम आसानी के लिए जो है वो पहले हम कर लेते हैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन। तो इक्वेशन एक्सेलरेशन की फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर हेडिंग दे देनी है रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो उसके लिए क्या करना है कि इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को आपने ऐड कर देना, जैसे ही आपने ऐड कर देना है बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो देखें वन इक्वेशन की लेफ्ट साइड और टू इक्वेजन की लेफ्ट साइड को प्लस कर लें, ये एम वन ए प्लस एम टू ए आ गया इज इक्वल टू,
इसी तरह राइट साइड को भी प्लस कर लें तो एम वन जी माइनस टी प्लस टी माइनस एम टू जी आ गया। ठीक है, ये माइनस प्लस से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये एक प्लस का है एक माइनस का है तो सेम है तो इनके साइन डिफरेंस है तो ये कट जाएंगे दोनों। तो अब हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, एम वन ए प्लस एम टू ए इज इक्वल टू एम वन जी माइनस एम टू जी। ठीक है बच्चे, तो अब यहां से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है इनटू एम वन प्लस एम टू आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहां से कॉमन जी आ रहा है इनटू एम वन माइनस एम टू आ जाएगा। बच्चे अब यहां से एक्सेलरेशन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास ये एम वन प्लस एम टू जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइड दूसरी साइड पे इक्वेशन की जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हम दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, हमने इस तरह एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करना चाहें, यहाँ से आपने जैसे ए की वैल्यू फाइंड की है एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन की, इसी तरह आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप ये साथ वाली टर्म जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो जी का रिलेशनशिप क्या आएगा, ए इंटू एम वन प्लस एम टू ओवर क्या आ जाएगा, एम वन माइनस एम टू। तो ये तो था हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन। इसी तरह अगर हमने रिलेशन फॉर टेंशन को फाइंड आउट करना है, आपने हेडिंग देनी है इसी तरह, तो अब हमने क्या करना है, बाय डिवाइडिंग टू बाई वन इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन पे डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन थी, ये टू थी। एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने दोनों को ऐड किया था, लेकिन अब टेंशन के लिए हमने टू को वन पे डिवाइड कर देना है। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देंगे और राइट साइड को राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो बच्चे ये क्या आ जाएगा, एम वन ए आ जाएगा ओवर एम टू ए आ जाएगा इज इक्वल टू, ये इक्वल का साइन है ऊपर मैंने क्रॉस लगाया हुआ, इक्वल आगे आ जाए एम वन जी माइनस टी ओवर टी माइनस एम टू जी। अब देखें ए के साथ ए को कैंसिल कर दिया, तो बच्चे अब ये हमारे पास इक्वेलिटी का साइन था, अब यहाँ पे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये ए के साथ ए कैंसिल हो गया। अब देखिए जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वन इंटू टी माइनस एम टू जी आ जाएगा इज इक्वल टू, इसी तरह एम टू को जब इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम टू इंटू एम वन जी माइनस टी आ जाएगा। अब इस एम वन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस एम टू को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एम वन टी माइनस एम वन एम टू जी इज इक्वल टू एम वन एम टू जी माइनस एम टू टी आ जाएगा, यानी कि एम टू को टी से करेंगे तो टी आ जाएगा। अब देखिए जो एक तरह की टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लें और दूसरी टर्म्स को एक तरफ। अब देखिए ये एम वन टी है और ये एम टू टी है, इन दोनों को एक साइड पे कर लें तो इसको ये यहाँ पे माइनस हो रही है तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगी इज इक्वल टू। इसी तरह ये एम वन एम टू जी है और ये भी एम वन एम टू जी है लेकिन ये माइनस हो रही है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगी। अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच जाएगा, एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू। अब देखिए ये m1 m2 g है प्लस m1 m2 g है तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे ये m1 m2 g प्लस m1 m2 g ये 2 m1 m2 g बन जाएगा। अब क्योंकि हम यहाँ से टेंशन का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे t के साथ ये वाली टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी तो ये m1 प्लस m2 हो जाएगा, तो हमारे पास ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन फॉर द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। ठीक है बच्चे।